दोस्तों क्लास 9th मैथ में चैप्टर 8 का जो है इसको जो है थ्योरम को जो है 8.5 तक सॉल्व किया था दोस्तों। तो यहाँ पे थ्योरम है 8.6, थ्योरम 8.6 जो है इसके बारे में चर्चा करना है दोस्तों। ये थ्योरम 8.6 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये हमारा पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल जो है क्या थे, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को जो है बाइसेक्ट करते हैं, यानी अगर जो हम डायगोनल को मिला दें तो जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि जान सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रेंगल है, सॉरी यानी कि ये जो ट्रेंगल आपका बन रहा है डायगोनल को मिलाने पे, ए बी सी और ए डी सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल को जब मिला देते हैं हम तो ये क्या बन जाता है, ये आपका एक लाइन की तरह हो जाता है। तो यानी कि कह सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है, आपको पता है कि जब ये पैरेलल होता है ये सभी, तो ये जो है इनके जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाता है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाता है, इस एंगल के बराबर हो जाता है, या कह सकते हैं ये एंगल जो है इस एंगल के, यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाता है। यहाँ पे थ्योरम में है, नाउ व्हाट वुड हैपन इफ एन क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, विल इट बी ए पैरेललोग्राम, इनडीड दिस इज ट्रू, यानी कि थ्योरम में क्या है कि द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम जो है बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमको क्या करना है कि जब हम इसको कांग्रेंट सिद्ध कर देंगे, यानी इसको जो है कांग्रेंट सिद्ध कर देंगे दोस्तों, तो आप जान सकते हैं कि ये जो है कांग्रेंट, इसमें पैरेललोग्राम जो है ये, यानी कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर हो जाता है, ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, ये ऑलरेडी है, ये तो पता है पैरेललोग्राम में। तो यानी कि इसमें जो है हम कह सकते हैं कि ये साइड जो है हमारा कॉमन है, ये साइड दोनों में कॉमन है, यानी कि इस ट्रायंगल की जो बात करें तो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में जो है हम अगर जो इतना ही ट्रायंगल उठा लें, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को जो उठा लें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल जो है ये एंगल बराबर है, और चूँकि इन दोनों में जो है साइड जो है ये आप देख सकते हैं, ये साइड जो है इसी को जो है हमको कॉमन बनाना, यानी कि हाफ बनाना है, बराबर बनाना है, तभी हमारा जो है सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आप सिंपल सा देख सकते हैं कि इस ट्रेंगल में, यानी कि ट्रेंगल ए ओ डी और ट्रेंगल ओ सी बी, इस ट्रेंगल में जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है और ये एंगल जो है हमारा इस एंगल के बराबर है। तो यानी कि हमारा दो एंगल तो बराबर हो गया दोस्तों, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल ये एंगल बराबर हो गया। अब हमारा बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा एंगल इसकी एंगल के बराबर की वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। तो इसको चाहे हम एंगल बाय एंगल से कह सकते हैं या इसको साइड बाय साइड से कहते हैं, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये दोनों ट्रेंगल जो है कांग्रेंट हो जाएंगे, यानी कि ए ओ डी और सी ओ बी ये दोनों कांग्रेंट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर, यानी ओ डी बराबर जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा ओ डी जो है, ओ डी बराबर क्या हो जाएगा आपका ओ बी के, यहाँ पे ओ बी बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों इस ट्रेंगल में हम ले लेंगे, इस ट्रेंगल में ले लेंगे, तो ये यानी कि ये तो बाइसेक्ट हो रहा है, यानी अब जब ओ डी हमारा ओ बी बराबर हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है वो। और उसके बाद जो है हम ये ट्रेंगल ले लेंगे, यानी कि ट्रेंगल ये तीन और चार, ये ट्रेंगल ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये साइड बराबर है, ये साइड जो है ये साइड बराबर है, और ये एंगल भी इस एंगल के बराबर है दोस्तों, ये एंगल और ये भी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये साइड बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि, और उसके बाद जो है यहाँ पे और जो दो एंगल, अब हमारा दोस्तों एक एंगल ये, एक एंगल ये, और ये साइड, यानी कह सकते हैं कि ए ए एस या यस ए ए, इस प्रकार से जो है हमारा रूल होल्ड हो रहा है, यानी यस यस ए, या कह सकते हैं ए, सॉरी
एएस जो है या यस ए हमारा रूल होल्ड हो रहा है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारा साइड यदि कि दोनों ट्रायंगल 3 और 4 जो है ये कांग्रेंट हो जाएंगे, तो कांग्रेंट की स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ये यहाँ पे जो है OC जो है OC बराबर जो हमारा हो जाएगा OA। तो इस प्रकार से जो है तो द डायगोनल ऑफ ए पैरलोग्राम जो है बाइसेक्ट ईच अदर, इस प्रकार से जो है डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो है थ्योरम इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। उसके बाद थ्योरम आता है थ्योरम 8.7। अब थ्योरम दोस्तों 8.7 क्या कहता है, दोस्तों थ्योरम जो है 8.7 क्या कहता है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब यानी कि 8.6 का जो है ये क्या है, 8.6 का ये उल्टा है, यानी कि वो जो पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट करता है। और अगर जो हम कह सकते हैं कि या पैरेललोग्राम ना कह करके क्वाड्रिलेटरल बोल दें, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर जो हमारा डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट करता है तो यह क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसको जो है हमको सिद्ध करने के लिए दोस्तों करना क्या है कि इसको जो है पैरेललोग्राम सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, ये साइड जो है ये साइड बराबर कर देना है और ये साइड जो है इस साइड के बराबर कर देना है, और तो यहाँ पे जो है इसको पैरेलल जो है दिखा देना है और एंगल जो भी है हमारा एंगल भी इसको कर देना है दोस्तों। तो अब देखिए, अब अगर जो ये बाइसेक्ट कर रहा है दोस्तों, तो इस कंडीशन में देखिए इस ट्रायंगल की बात कर लें, इस ट्रायंगल की बात कर लें तो फर्स्ट इसमें देखिए इन दोनों ट्रायंगल में क्या है आपका, यानी कि हमारा जो OD है और OB ये जो है दिया हुआ बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि इन दोनों में जो है बराबर है, यानी कि OB और OD ये बराबर है दिया हुआ है। उसके बाद जो है OA और OC जो है A बराबर है। अब बच क्या रहा है दोस्तों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये जो है बराबर होंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रूल होल्ड हो रहा है, यानी कि कौन सा रूल होल्ड हो रहा है यहाँ पे, यानी कि कह सकते हैं यस ए यस जो है रूल यहाँ पे होल्ड हो रहा है, यस ए यस रूल होल्ड हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये साइड इसमें है, ये साइड है, और उसके बाद जो है ये वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है तो ये क्या हो गया, ये दोनों कांग्रेंट हो गए दोस्तों, ये कांग्रेंट हो गए। अब कांग्रेंट की कंडीशन में जो है हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि हमारा AD जो है AD बराबर किसके है, BC के, यहाँ पे दोस्तों BC के है दिया हुआ। तो इस ट्रायंगल को जो है हम कांग्रेंट सिद्ध कर दिए। अब इसी प्रकार से जो है इसको हम 3 और 4 मान लेंगे ये ट्रायंगल, इसको जो है अब यहाँ पे देखिए ये इसके लिए वर्टिकली अपोजिट हो गया, और ये साइड जो है ये साइड दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है दोस्तों, ये भी दिया हुआ। तो कह सकते हैं कि ये जो है ट्रायंगल जो है ABD ABO और DCO जो है ये क्या है, कांग्रेंट हो, यानी 3-4 जो है हमारा ट्रायंगल जो है 3 नंबर 4 नंबर क्या है, कांग्रेंट हो गया। अब कांग्रेंट की कंडीशन में दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि हमारा DC बराबर AB, यानी कि DC बराबर जो है हमारा ये AB यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब दोस्तों यहाँ पे पैरेललोग्राम किस लिए हो गया, क्योंकि अब जब ये कांग्रेंट सिद्ध हो गया तो दोस्तों ये एंगल जो है इस एंगल के भी बराबर हो गया। उसके बाद जो है ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से जो है ये पैरेलल आपका जो है लाइन भी आपका पैरेलल है, जो लाइन दिया है बराबर के साथ साथ पैरेलल भी है। तो देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेलल मतलब पैरेललोग्राम है। लेट्स तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज बहुत आसानी से सिद्ध हो जा रहा है, ये थ्योरम जो है। बस केवल हमको क्या लाना है उसके अनुसार जो है काम करना है। अब देखिए डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहा है तो ये पैरेललोग्राम है, इसलिए जो इसको हम सिद्ध कर दिए।
उसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में क्या दिया, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, यानी कि एग्जाम्पल में दिया है कि हमको शो करना है कि प्रत्येक जो है एंगल है किसी रेक्टेंगल का क्या है, राइट एंगल होता है, यानी 90 अंश का होता है। तो लेट अस रिकॉल व्हाट ए रेक्टेंगल इज, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। पहले हमको समझना पड़ेगा कि रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम होता है, विच इस एंगल इज ए राइट एंगल, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें जो है वन एंगल इज ए राइट एंगल, इसमें जो है एक एंगल जो है उसका जो है राइट एंगल होता है। तो पैरेललोग्राम का जो है अगर जो एक एंगल राइट एंगल हो गया तो उसके चारों एंगल जो है राइट एंगल हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान लिया गया है, लेट अस एक हम मान लेते हैं कि एक एंगल हमारा जो है 90 डिग्री है। लेट अस ए बी, ए बी सी डी, ए बी ए रेक्टेंगल इन विच एंगल ए 90 डिग्री, वी हैव टू शो दैट एंगल बी बराबर एंगल सी, इसको जो है हमको शो करना है कि एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी बराबर होते हैं। वी हैव ए डी, अब यहाँ पे दोस्तों ए डी बराबर जो है किसके, बी सी के है, और ए बी ट्रांसवर्सल है, तो चूंकि यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि ए बी क्या हमारा है, ये ट्रांसवर्सल है। तो दोस्तों यहाँ पे चूंकि हमारा ए बी जो है एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रांसवर्सल के कंडीशन में आपका सो एंगल ए और एंगल बी आपका जो है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एंगल ए को जो मान लिए हैं कि ये हमारा ये जो है ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड क्या होता है, साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का जो है, इस साइड का और इस साइड का क्या होता है, 180 होता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा ए 90 डिग्री है तो बी भी हमारा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बी हमारा 90 डिग्री है, यानी कि ए हमको पता है तो बी 90 डिग्री है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बी जब हमारा 90 डिग्री बन गया है, बी जो है हमारा 90 डिग्री, ये जब यहाँ से सिद्ध हो गया है, बी जो है हमारा 90 डिग्री सिद्ध हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सी और डी जो है, सी बराबर एंगल ए हो गया और डी बराबर एंगल बी हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम जब है ये, तो पैरेललोग्राम का जो है अपोजिट एंगल बराबर होता है। ये चीज़ जो है पहले बताया जा चुका है कि पैरेललोग्राम का जो है अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो इस कंडीशन में देयरफॉर ईच ऑफ द एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल जो है राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है दोस्तों। तो यहाँ से जो एग्जाम्पल फर्स्ट जो है सॉल्व हो जाता है, उसके बाद जो है एग्जाम्पल जो है दो है, एग्जाम्पल दो जो है, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए होम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसमें जो है हमारा जो होम्बस होता है ये, इसको जो है होम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, तो इसको हम सिद्ध करना, सो दैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये चीज हमको सिद्ध करना है दोस्तों। क्योंकि अब यहाँ पे जो है कंसीडर रोम्बस ए बी सी डी, ए बी सी डी जो है हमारा रोम्बस है, यहाँ पे आप जान सकते हैं ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी, डी ए सी डी बराबर डी ए, यानी कि एक तरह का अगर ये 90 डिग्री इनका बन जाए एंगल, तो ये हो जाए स्क्वायर हो जाता है। लेकिन चूंकि ये अगर यहाँ पे जो है ये रोम्बस है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ओ ए, अब देखिए यहाँ पे ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी, यहाँ पे है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर कॉमन, यानी कि जो डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम का, हम सिद्ध कर चुके हैं कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो जब बाइसेक्ट करते हैं दोस्तों तो ये जो है इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो है ये दोनों जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जो है अब हमारा जो है ये साइड ए डी बराबर बी सी भी है, डी सी भी है, ए बी भी है, यानी कि सब बराबर है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमको जो है इसको 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि
कि जब ये साइड सब बराबर हो गए हैं, जब साइड जब जो है ये बराबर हो गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है यानी कि ट्रेंगल ए ओ डी को, ए ओ डी और ट्रेंगल जो है सी ओ डी, यानी कि सी ओ सी ओ डी यानी कि सी ओ डी, इसको कांग्रुएंट से कर देना है। यानी कि कौन से ट्रेंगल को, इस पर इस कंडीशन में जो है ए ओ डी, ए ओ डी यानी कि ये आपका फर्स्ट मान लीजिए और ट्रेंगल सी ओ डी, सी ओ डी यानी कि ट्रेंगल दो, ये क्या हो गया आपका कांग्रेंट हो गया। तो आपको पता है कांग्रेंट के कंडीशन में, कांग्रेंट के कंडीशन में ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका जो है हम मान सकते हैं कि हमारा लाइन जो है ए सी है, इस पर ओ डी जो है कोई जो है आपका एक लाइन है, तो यहाँ पे चूंकि हम कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, सॉरी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये एंगल भी इस एंगल के बराबर है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो एडजेसेंट एंगल होता है इस कंडीशन में 180 अंश होता है, तो ये एंगल जब बराबर है तो ये एंगल क्या होगा, एक दोनों एंगल का योग जो है 180 होगा। तो इस प्रकार से जो है चूंकि जो ये बराबर भी हैं तो ये 90 डिग्री भी ये बना रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जो है सिद्ध भी हो जाता है। यहाँ पे यस यस कांग्रेंट रूल जो है होल्ड हो जाएगा, तो इस कारण से जो है ये सिद्ध हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दे दिया गया है कि ये जो है आपका कांग्रेंट कंडीशन में जो है ये बराबर सीपीसीटी जो है एंगल एओडी और एंगल सीओडी जो है, एंगल एओडी एओडी ये एंगल और सीओडी सीओडी ये एंगल जो है सीपीसीटी जो है तो यहाँ पे जो कि 180 अंश हो जाता है, तो इसका योग जो है लाइनियर पेयर हो जाता है, तो 2AOC बराबर इतना, AOD बराबर 90 डिग्री। तो सो द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से जो है ये चीज हो जाता है। एग्जाम्पल जो है तीसरा है, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रेंगल, यानी कि ए बी सी जो है एक आइसोसेल्स ट्रेंगल है, इन विच ए बी बराबर ए सी है और ए डी क्या बाइसेक्ट करता है एक्सटीरियर एंगल, तो और सी डी जो है परवेस जो है बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में, यानी कि ए बी सी डी जो है ये जो है आपका आइसोसेल्स ट्रेंगल बन रहा है और ये लाइन जो है आप देख सकते हैं ए बी सी डी जो है ये आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो पैरेललोग्राम जो है कि कंडीशन में दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं, हमको जो है यहाँ पे दो दो चीज जो बन रहा है, एक हमको सिद्ध करना है डी ए सी, डी ए सी ये एंगल बराबर बी सी ए, बी सी बी सी ए ये यानी कि ये एंगल, बी सी ए यानी ये एंगल, बी सी ए ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर है डी डी सी नहीं बी सी ए ये एंगल और डी ए सी, डी ए सी ये एंगल, ये एंगल तो यहाँ पे बराबर सिद्ध करना है। तो चूंकि देखिए ये आपका जो है पैरेलल, हाँ तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आइसोसेल्स ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में जो है इस ट्रेंगल में जो है ये साइड ए बी बराबर जो है ये ए सी की है, तो इस कंडीशन में जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंगल ए बी सी जो एसोसिएट ट्रेंगल है ए बी बराबर ए सी गिवन दिया हुआ है और यहाँ पे जो है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड क्या होता है बराबर होता है, यानी कि ट्रेंगल ए बी सी जो है ए बी सी ये ट्रेंगल और ट्रेंगल जो है ए सी बी, ए
सी ए सी बी ये एंगल, यानी कि इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है और ये एंगल जो है, तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि ये हमारा एंगल जो है ये दोनों बराबर हो गया। और यहाँ पे जो है अब इस कंडीशन में जो है दोस्तों, अब ये जो है यहाँ पे एंगल जो है पी ए सी जो है पी ए सी ये एंगल जो है हम कह सकते हैं ये पूरा एंगल जो है ये एंगल तो इस एंगल के बराबर है। और यहाँ पे जो है एंगल पी ए सी जो दिया हुआ है पी ए सी ये पूरा एंगल किसके बराबर है, यानी कि पी ए डी और डी ए सी या ए सी बी, यानी कह सकते हैं ए बी सी ये दोनों एंगल जो है किसके बराबर हैं, यानी इन दोनों एंगल के बराबर हैं दोस्तों। हाँ ये अगर जो हमारा एक लाइन बन रहा है तो जो है ये इसका जो है इसके दोनों साइड का योग होता है, यानी कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल या फिर ट्रायंगल का क्या होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में जो है हम कह सकते हैं पी ए सी जो हमारा जो है पी ए सी बराबर टू ए सी बी, ए सी बी यानी कि टू ए कह सकते हैं। तो ये दोनों एंगल जो है यहाँ पे बराबर हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए डी क्या करता है, ए डी क्या करता है, नाउ ए डी बाइसेक्ट पी ए सी, ए डी क्या करता है इसको बाइसेक्ट करता है, किसको पी ए सी को बाइसेक्ट करता है। इस कंडीशन में पी ए सी को बाइसेक्ट करता है, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये एंगल जो है इसको बाइसेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ये एंगल जो है एंगल के बराबर है, यानी कि पी ए सी टू डी ए सी जो है डी ए सी इन दो डी ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को मिलाने पर जो है हम कहते हैं डी ए सी बराबर जो है डी ए सी जो है हमारा ए सी बी, यानी ये एंगल जो है ए सी बी इस एंगल के, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इंटीरियर सॉरी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम ये हमारा एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है इसका, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया ये एंगल दोस्तों। और ये एंगल, तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड नाउ दिस द इक्वल, यहाँ पे जो है ये चीज़ सिद्ध हो गया, यही हमको सिद्ध करना था कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। तो यहाँ से जो सिद्ध हो गया ये, दूसरा क्या है, दूसरा जो है ए बी सी डी जो पैरेलोग्राम, दूसरा क्या हमको बनाना है ए बी सी डी जो है पैरेलोग्राम है। तो नाउ दिस इक्वल एंगल ऑफ फ्रॉम द पेयर ऑफ द अल्टरनेट एंगल व्हेन द लाइन सेगमेंट बी सी एंड ए डी आर इंटरसेक्टेड बाई द ट्रांसवर्सल ए सी, यानी कि ट्रांसवर्सल जो है हमारा ए सी जो है ये इंटरसेक्ट जो है किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये बराबर है, तो ये जब बराबर हैं दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल को जो है हम कांग्रुएंट सिद्ध कर दें, और कांग्रुएंट सिद्ध कर दें। तो कांग्रुएंट कैसे सिद्ध करेंगे, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल जो इस एंगल के बराबर है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल जो है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के भी दोस्तों बराबर होगा, ये भी इंटीरियर एंगल है, और ये एंगल दोस्तों इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हमको सिद्ध करना है। फिलहाल इसको हमको सिद्ध करना है कि चूंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो यहाँ पे दोनों का साइड आप देख सकते हैं ये बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये एंगल इस ये एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, उसके बाद साइड जो है आपका ये साइड कॉमन है, क्योंकि एसोसिएट एंगल ये है। तो इस कंडीशन में क्या हमारा दो एंगल और एक साइड जो है, दो एंगल एक साइड क्या है आपका बराबर है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ए एस ए या एस ए एक रूल यहाँ पे जो होल्ड हो रहा है, इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी सी और ए सी डी जो है कांग्रुएंट हो गया। तो कांग्रुएंट के कंडीशन में दोस्तों कह सकते हैं कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, और ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, और जो है ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, और ये पूरा एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। इस कारण से जो है ये पैरेलोग्राम हो जाते हैं, और जो कि एग्जाम्पल में दिया भी है, सॉल्व किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउ दिस इक्वल द अल्टरनेट एंगल लाइन सेगमेंट बी सी इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्सल ए सी,
यहाँ पे बी सी इसके बराबर है, इसके बराबर है। नाउ बोथ पेयर आर द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट ए बी सी डी आर द पैरेलल, सो ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है दोस्तों। तो दोस्तों तीन एग्जाम्पल तक सॉल्व किया गया है, तो और बाकी जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।